नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। फिल्म इंडस्ट्री में शशि कपूर ने अपने अभिनय और अंदाज से लोगों को दीवाना बना दिया था। 70 के दशक में उन पर फिदा होने वाली लड़कियों की कमी नहीं थी, यहाँ तक कि वो खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस का क्रश भी थे। राजेश खन्ना का जादू जहाँ 70 के दशक में सब पर सर चढ़कर बोल रहा था, तो उसी के साथ लोगों के दिलों में इस चार्मिंग और हैंडसम एक्टर के लिए भी बेशुमार मोहब्बत थी। देखिए ये रिपोर्ट। शशि कपूर ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अपने फिल्मी करियर में लगभग कई तरह के किरदारों को जीने वाले इस एक्टर ने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। शशि कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे थे। उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। शशि कपूर हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कहे जाने वाले महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे और राज कपूर और शम्मी कपूर के भाई थे। उनका जन्म 18 मई 1938 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम बलबीर राज कपूर था। शशि कपूर एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इसमें उनके पिता का सहयोग नहीं था। उनका मानना था कि शशि कपूर संघर्ष करें और उनकी मेहनत से ही वो अपने अभिनेता बने। शशि पर्दे पर जितने शांत दिखते थे, असल जिंदगी में वैसे नहीं थे। 1944 में शशि ने अपने करियर के अपने पिता के थिएटर नाटक शकुंतला से शुरू किया था। उन्होंने 40 के दशक में कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया था। इनमें 1948 में आई आग और 1951 में आई आवारा जैसी फिल्में शामिल हैं। शशि कपूर ने 1957 में जेफरी कैंडल की टूरिंग नाटक कंपनी को ज्वाइन किया और शेक्सपियर के नाटकों में अलग अलग रोल अदा किए। इसी दौरान जेफरी की बेटी जेनिफर कैंडल से उन्हें प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। किसी विदेशी महिला से शादी करने वाले शशि अपने खानदान के पहले लड़के थे। यही नहीं, जेनिफर ने कपूर खानदान का एक और ट्रेंड भी तोड़ा और वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करने वाली कपूर खानदान की पहली बहू बनी थी। शशि कपूर ने लीड एक्टर के रूप में फिल्मी करियर 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र से शुरू किया। 60 के दशक में उन्होंने अपनी चॉकलेटी इमेज की वजह से कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई थी। 70 के दशक में शशि कपूर के पास 150 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था। वो एक दिन में 3 या 4 फिल्मों की शूटिंग में पहुंच जाते थे। अपने होम प्रोडक्शन शेक्सपियर्स वाला के बैनर तले शशि कपूर ने अलग तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की। उन्होंने श्याम बेनेगल के से जुनून और कलयुग, अपर्णा सेन से 36 चौरंगी लेन, गोविंद निल्हानी से विजेता और गिरीश कर्नाड से उत्सव जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कराया। ये फिल्में आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। 1991 में अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म अजूबा का निर्माण और निर्देशन किया, लेकिन दर्शकों ने इसे नकार दिया। कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से उन्होंने काफी नुकसान हुआ था। शशि कपूर ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अंग्रेजी फिल्मों में लगातार काम किया। उन्होंने द हाउस होल्डर, शेक्सपियर्स वाला, प्रिटी पॉली, सिद्धार्था, हीट एंड डस्ट जैसी फिल्मों की जिन्होंने विदेशों में अच्छा बिजनेस किया। शशि कपूर ने सबसे ज्यादा 12 फिल्मों में शर्मिला टैगोर के साथ और 6 फिल्मों में जीनत अमान के साथ काम किया। नंदा, राखी, शर्मिला टैगोर और जीनत अमान उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस थी। उन्होंने अभिनेता प्राण के साथ करीब 10 फिल्मों में काम किया था। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन ने एक साथ 11 फिल्मों में काम किया, जिसमें से दीवार, सुहाग, त्रिशूल, नमक हलाल सुपर डुपर हिट रही। रोचक बात यह है कि कई फिल्मों में सपोर्टिंग हीरो होने के बावजूद शशि को ज्यादा फीस मिलती थी, क्योंकि वो अपने जमाने के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी मेहनत करके शशि कपूर ने जो पैसा कमाया, उसका ना तो वो 100 एकड़ का फार्म हाउस खरीदा, ना ही 10-12 बंगले खरीदे, ना ही कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया, बल्कि उन पैसों से श्याम बेनेगल, गोविंद निल्हानी, गिरीश कर्नाड जैसे निर्देशकों के साथ मिलकर सामाजिक सरोकार की फिल्में बनाई। इसका उदाहरण है 36 चौरंगी लेन फिल्म। इस फिल्म को बनने में 40 लाख का खर्च आ रहा था, लेकिन बजट सिर्फ 20 लाख रुपए का था। ऐसे में शशि कपूर ने जी खोलकर अपने फिल्म निर्माण पर पैसा खर्च कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।